मंडी स्थित सनातन धर्म सभा के सभागार में सर्व देवता मेला कमेटी मंडी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कमेटी के सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सर्व देवता मेला कमेटी मंडी के प्रधान शिव पाल शर्मा ने बताया कि मीटिंग में कमेटी की विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि को लेकर सर्व देवता मेला कमेटी मंडी की मीटिंग का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि मीटिंग में विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि चौहट्टा बाजार में आयोजित होने वाला देवता मेला काफी पुराने समय से होता आ रहा है और चौहट्टा बाजार का सौंदर्यकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चौहट्टा बाजार में आयोजित होने वाला देवता मेला भविष्य में कहां आयोजित होगा, इसको लेकर प्रशासन के साथ चर्चा की गई। शिवपाल शर्मा ने कहा कि पडल में शिवरात्रि में देवताओं के बैठने के लिए भी डोम की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बारिश में देवताओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि इन सभी मांगों को लेकर जिला प्रशासन से विचार विमर्श किया गया। चर्चा की गई, जिसमें हमारी देवी देवताओं की संस्कृति के धरोहर के बारे में भी चर्चा हुई। जैसे हमारे मेलों का आयोजन, हमारा मेलों का आयोजन राजों के टाइम से, पहले दो मेले हमारे शेरी में, दो पटन में, दो टांडा में और एक चौटा में होता था। आज मेले हमारे सारे पटल में हो रहे हैं, मगर जो चौटे का मेला है ये हमारा सदी में चले आ रहा है और यहीं होना है। इसके बारे अभी हाल ही में सुंदरीकरण किया जा रहा है, अच्छी बात है, मगर देवता का मेला कैसे किया जाएगा अभी इसके बारे में कारदारों ने दोबारा मीटिंग करने का निर्णय लिया और प्रशासन से बात की जाएगी भाई हमारा चौटे का मेले में कैसे करेंगे, क्योंकि जगह जो सौंदर्यकरण कर रहा है ठीक बात है, अच्छी बात है, शहर को सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी संस्कृति सदियों से चली आ रही है उसके बारे में भी विचार विमर्श प्रशासन किया जाएगा और नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी उसमें यह तय किया जाएगा कि ये मेला कहाँ होगा। उसके बाद हमारे जो मानदेय दिया जाता है वो किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता है। हमारे कुछ देवता पंजीकृत हो चुके हैं, मगर उनको मानदेय किलोमीटर के साथ में देने के लिए पारदर्शिता बनाना पड़ेगा, जो पारदर्शिता नहीं है, कहीं को कम मिल रहा है कहीं को ज्यादा मिल रहा है, इसके बारे में सबसे मांग करेंगे। राशन की बढ़ोतरी की भी, व्यक्ति ज्यादा होते हैं राशन कम दिया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो बस जब पटन के दौरान में, जब मेले के दौरान में पटन में देवते बैठते हैं तो भाष्य इत्यादि हो जाती है, तो देवता को ठहरने का कोई स्थान नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ एक मजबूत रूम तैयार करें, जैसे व्यापार मंडल वाले रूम तैयार करते हैं, ताकि देवते भी वहाँ उस रूम के नीचे बैठे। चौथा, हमारे जो देवी देवता मंडी में आ रहे हैं उनके आने जाने का, आगमन का, ठहरने का सारा प्रशासन की जिम्मेवारी होती है। प्रशासन से अनुरोध है कि हमारा ठंडे का इंतजाम ठीक किया जाए। जहाँ तक हमारा देव सदन की बात है, हाल ही मैंने एक्शन पीडब्ल्यूडी से, एसडी पीडब्ल्यूडी से बात की थी, उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हम नवरात्रि मेले में देव सदन का आयोजन कर देंगे, तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि देव सदन तैयार हो जाएगा तो हमारी ठंडे की समस्या खत्म हो जाएगी।